नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राफेल लड़ाकू विमान से, जो कि आखिरकार भारत पहुंच ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में ये सबसे बड़ा मुद्दा भी बनकर उभरा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से इस विमान की डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी को घेरा गया था। अब जब राफेल आ रहे हैं तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कई ट्वीट किए। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से इस डील पर सवाल उठाते हुए राफेल विमान की कीमत पूछी है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लिखा है कि आखिर राफेल प्लेन आ गया। 126 राफेल खरीदने का फैसला 2012 में यूपीए ने किया था, जिसमें से 18 राफेल छोड़कर अन्य सभी को एचएएल द्वारा भारत में बनाया जाना था। ये भारत के आत्मनिर्भर होने का प्रमाण था। एक राफेल की कीमत 746 करोड़ रुपए तक तय की गई थी। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मोदी सरकार के आने के बाद फ्रांस के साथ मोदी जी ने बिना रक्षा व वित्त मंत्रालय व कैबिनेट कमेटी की मंजूरी के नया समझौता कर लिया और एचएएल का हक मारकर निजी कंपनी को देने का समझौता कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा की अनदेखी कर 126 राफेल खरीदने की बजाय केवल 36 खरीदने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस नेता ने लिखा कि एक राफेल की कीमत कांग्रेस सरकार ने 746 करोड़ रुपए तय की थी, लेकिन चौकीदार महोदय कई बार संसद में और संसद के बाहर भी मांग करने के बावजूद आज तक एक राफेल कितने में खरीदा है बताने से बच रहे हैं। क्यों? क्योंकि चौकीदार जी की चोरी उजागर हो जाएगी। चौकीदार जी, अब तो उसकी कीमत बता दो। दिग्विजय सिंह ने आगे लिखा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आंकलन करते हुए रक्षा मंत्रालय ने 126 राफेल खरीदने की सिफारिश की थी, जो कि यूपीए की स्वीकार कर सहमति की एक सहमति दी गई थी। और अब मोदी जी ने 126 की बजाय 36 राफेल खरीदने का फैसला क्यों लिया है, ये पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या मोदी जी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया? कांग्रेस की ओर से सवाल पूछा गया कि अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर मांगते हैं तो मोदी जी की ट्रोल आर्मी हमें राष्ट्रद्रोही बताती है। क्या प्रजातंत्रीय व्यवस्था में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है? तो राफेल के आने पर जहां अब दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से राफेल की कीमत का जिन बोतल से बाहर निकाल दिया है, उधर आधुनिक राफेल विमान अंबाला के लिए अपने सफर पर निकल चुके हैं और आज दोपहर तक राफेल विमानों के अंबाला एयरबेस पहुंचने की खबर आ रही है। लेकिन राफेल के पहुंचने से पहले ही अंबाला की जनता राफेल की एक झलक पाने के इंतजार में पलके बिछाए बैठी है। वहीं अंबाला के लोगों की खुशी का ठिकाना भी नहीं है। राफेल के पहुंचने से पहले ही अंबाला में एयरफोर्स और जिला प्रशासन ने कड़े बंदोबस्त कर लिए हैं। अंबाला के लिए ये गर्व की बात है कि एक साथ आ रहे 5 राफेल विमानों की तैनाती अंबाला एयरबेस में की जा रही है, जिसे लेकर अंबाला शहर की जनता भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही है। अंबाला के लोग आज राफेल के इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। अंबाला में सुबह से ही लोग अपनी छतों पर डेरा डालकर बैठे हैं, ताकि जब अंबाला में राफेल की गूंज सुनाई दे तो हर कोई इस ब्रह्मास्त्र की एक झलक जरूर देख पाए। स्थानीय लोगों ने बताया है कि अंबाला के लिए बहुत खुशी और बहुत राहत की बात है। राफेल की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस को चुना गया है। लोगों का कहना है कि अंबाला में राफेल विमान की तैनात होने को लेकर वे खासा उत्साहित हैं और चीन के साथ जारी विवाद के बीच राफेल का अंबाला में पहुंचना सुरक्षा और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के नजरिए से महत्वपूर्ण है। वहीं राफेल के अंबाला पहुंचने को लेकर युवाओं में भी काफी उत्साह है। और चलिए अब बात करते हैं राजस्थान की सियासी जंग की, जो कि कोर्ट में लड़ी जा रही है। विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र आमने सामने हैं। सूबे में चल रही सियासी नूरा कुश्ती के बीच अब एक बार फिर से विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने के मुद्दे पर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। भाजपा विधायक और बसपा की ओर से दायर याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। भाजपा विधायक मदन दिलावर और बसपा की ओर से पार्टी के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने याचिका दायर की। दोनों ही नेताओं की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका में बसपा के 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने को चुनौती दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ 29 जुलाई को इन याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रही है और पूरक वाद सूची में याचिकाएं 89 और 93 क्रम संख्या पर सूचीबद्ध है।
आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा के एक विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बसपा के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल हो जाने को लेकर याचिका दायर की थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज भी कर दी। अब बसपा ने भी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर अपने विधायकों को तोड़ने और नियमों के विपरीत उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराने का आरोप भी लगाया। बसपा ने पिछले दिनों ही व्हिप जारी किया था, जिसमें विधायकों के कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने को कहा गया था। और अब बात कर लेते हैं भारत में फैले कोरोना मामलों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। देश में कोविड के करीब 34,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है। मरीजों का आंकड़ा 1,67,00,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं मरने वालों की संख्या 6.7 लाख के पार, यानी तकरीबन 6.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, जहां कोरोना मरीजों की तादाद 44.54 लाख है। ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 24,55,000 है। कोरोना वायरस से जुड़े अपडेट्स जहां लगातार अब बढ़ते जा रहे हैं, जो अपडेट्स आते हैं उनमें आंकड़े नए रिकॉर्ड छूते हैं। मुंबई कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन 3 महीने से पहली बार ऐसा हुआ है जब एक दिन में केवल 700 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। सवाल ये है कि क्या ये मान लिया जाए कि अब देश में आर्थिक राजधानी कोरोना के अपने पीक से गुजर चुकी है? क्या महाराष्ट्र मुंबई में कोरोना के मामले जो कम हुए हैं वो इस ओर संकेत देते हैं? इसके अलावा भारत अब नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है, यानी कि देश में जहां देश विदेशी माल खरीद कम रहा है और बेच ज्यादा रहा है। ऐसे में ये खबर भी एक बार जहां अच्छा अंदेशा देती है, लेकिन इसमें भी एक पेच है। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जहां मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 12 साल की जेल हुई थी, हालांकि वो ऊंची अदालत में जा सकते थे, लेकिन उन पर अभी भी ये मामला खत्म हो चुका है और अरबों डॉलर का आरोप उनके पूरे परिवार पर भी लगा। मलेशिया में कोई इतना बड़ा नेता करप्शन की सजा पाया हो ऐसा कोई खबर नहीं है। और भारत में फिलहाल ये जो आंकड़े हैं अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देखे जा रहे हैं, तो कोरोना के आंकड़े जो कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कम नजर आए हैं, इससे अच्छे संकेत हैं कि अर्थव्यवस्था को भी इससे फायदा पहुंच सकता है। उधर दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी कोरोना कम घातक होता नजर आ रहा है। सीरो सर्वे के अनुसार अब मुंबई के स्लम एरिया में रहने वाले 57% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी विकसित हो गई है, यानी इन्हें कोरोना हुआ था और इन सब की इसकी भनक तक इन्हें नहीं लगी, यानी इन्हें ये एसिम्प्टोमेटिक थे। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड सिम्टम्स भी रहे हैं कोरोना से जूझते हुए। मुंबई के लिए अब एक ये राहत वाली खबर है। जैसा कि पहले दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी देखी गई थी और हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने की बात कही गई थी, हालांकि इसकी जाँच के लिए वहां फिर से सीरो सर्वे होगा और मुंबई में हुए सीरो सर्वे में अब ये बात निकल कर आई है कि यहाँ 3 निकाय वार्डों के स्लम एरिया में रहने वाले 57% आबादी और झुग्गी में इलाकों में रहने वाले तकरीबन 16% लोगों के शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इससे संकेत मिलते हैं कि कोरोना वायरस के आधिकारिक आंकड़ों से कहीं अधिक पहले लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई में जुलाई महीने के पहले 15 दिनों में 3 वार्ड और नॉर्थ और वेस्ट, साथ ही एम नॉर्थ की झुग्गी वाले इलाकों में रहने वाले लोग और झुग्गी से इतर रहने वाले 6,936 लोगों के नमूने लिए गए थे। इससे पता चला कि शहर में बिना लक्षण वाले संक्रमण के पीड़ित लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। बीएनसी ने यह भी बताया कि एक स्टडी में खुलासा हुआ है कि स्लम में रहने वाले 57% आबादी और गैर झुग्गी क्षेत्रों की 16% आबादी के शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। आपको बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी आखिर क्या है। दरअसल हर्ड इम्यूनिटी एक प्रक्रिया होती है, इसमें लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें विकसित हो जाती है और वे चाहे वायरस के संपर्क में आने से हो या फिर वैक्सीन से हो, अगर कुल जनसंख्या के 75% लोगों में ये प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है तो हर्ड इम्यूनिटी इसे माना जाता है। और फिर 4 में से 3 लोगों को संक्रमित शख्स से अगर आप मिलेंगे तो उन्हें ये बीमारी नहीं लगेगी और ना ही इसका फैलाव होगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोविड-19 के केस में हर्ड इम्यूनिटी विकसित होने के लिए 60% के रोग प्रतिरोधक क्षमता होनी चाहिए।
और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।